वही हल्द्वानी में अखिल भारतीय एकता व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने नगर निगम के उपनगर आयुक्त को ज्ञापन देते हुए शहर में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाने की मांग की। व्यापार मंडल अध्यक्ष डिम्पल पांडे ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के चलते कई शौचालय तोड़ दिए गए हैं, लिहाजा शहर में महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं बचा है, इसलिए बाजार आने वाली महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यापारी यूनियन द्वारा रूपनगर आयुक्त को ज्ञापन देकर हल्द्वानी शहर में विभिन्न स्थानों पर शौचालय बनाए जाने की मांग की गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हमारा कोई मांग है कि जो हमारे पुराने शौचालय जो शहर के अंदर बने हुए हैं, एक तो तीन तोड़ दिए गए हैं सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, उनका अतिशीघ्र निर्माण हो जो कि महिलाओं को समर्पित हो। महिलाओं के बाजार में बहुत ज़्यादा परेशानी है, महिलाओं के लिए हमें शौचालयों की आवश्यकता है, जो कि हमने जगह भी बताई है आयुक्त साहब को। दूसरी चीज़ें जो वर्तमान में मौजूद हैं शौचालय, उनमें गंदगी बहुत है, सबसे ज़्यादा उनकी साफ सफाई करी जाए। आज छुट्टी में तो उनके जूनियर को दिया हमने, तो हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे महिला शौचालय के लिए हमने मेन दिया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी महिला शौचालय हैं कुछ तो हैं और कुछ बहुत गंदे हैं। जो गंदे हैं उनकी सफाई हमने बोली है कि सफाई की जाए और शुल्क निःशुल्क किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो 5 रुपये मिनिमम रखा जाए। और सिंधी चौराहे के बाद पार्किंग बन रही है जहाँ पे, वहाँ हम चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए शौचालय बना जाए और कुसुमखेड़ा में एक शौचालय बना जाए, क्योंकि यहाँ पे शौचालय बिल्कुल नहीं है। महिला बहुत परेशान होती है, मार्केट में आती है, हमसे यही पूछते हैं कि शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं व्यापारी, तो हम लोग कैसे व्यापार करने हैं। व्यापार वैसे ही दिन प्रतिदिन डाउन चल रहा है ऑनलाइन की वजह से, हम चाहते हैं कि थोड़ी सुविधा हो कस्टमर को, तो कस्टमर मार्केट में आए। आज सभी व्यापार मंडल भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने एकजुट होकर के यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे महिलाओं के लिए होती है, घर से सुबह निकलती हैं महिलाएं तो पूरा दिन भर बाहर रहती हैं और इस समय महिलाओं को शौचालय की बहुत दिक्कत होती है।